देखे कोई हीरोइन देखे तभी हमारा मन लगेगा, नहीं क्या? यस सर बोलो। सीखने के लिए जैसे इसी को देखो, इसी पिक ये पिक्चर्स तो रहती है कि नहीं रहती, शुरू से देखने को मिल रही होगी तुम्हें है? लेकिन हमें क्रॉप करना आना चाहिए, जरूरी थोड़ी है कि हमें वही पिक्चर मिलेगी तब जाके हम काम कर पाएंगे। हालांकि पिक्चर डाल भी सकते हैं, पर कोई बड़ा काम थोड़ी है। जय पिक्चर्स देख रही, आप इसको पीएनजी कैसे बनाओगे? इसको बना लिया हमारे संसार की कोई भी पिक्चर्स को पीएनजी में बना लिया, कैसे करोगे? इनको सबको हमने अभी रिमूव कर दिया, यहां से हटा दिया। फिर हमने यहां से क्या लिया, पॉलीगॉन नल लासो टूल, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, से मान लो इतनी पिक्चर्स हमें चाहिए, कंट्रोल सी कर लिया, क्या कर लिया, कंट्रोल एन किया, कंट्रोल वी किया, इसको चाहो तो बंद कर सकते हो, बन गया। और फिर राइट क्लिक करके इसको बैकग्राउंड सेलेक्ट करो, अल्ट के साथ एक एल 3 बार एल कर दोगे तो पीछे का बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? इसको फिर सेव करना है पीएनजी के, ये लिख दिया ओएल, यस। तो अब इस ओएल को आप यहां देख सकते हो, दिख गया, दिख रहा ना? इसको पकड़ के यहां पर पहले न्यू कर लो, पिक्चर्स आ गई। चलो ओके, जा क्या कर दिया, यहां से उठा के बना। अब क्या होता है, जब भी आप यहां से कोई भी शेप से लेते हैं, ठीक है, तो इस पिक्चर्स को इसके अंदर डालने के लिए आपको सेलेक्ट करके पावर क्लिप का यूज करना होता है। फिर इसको एडिटिंग करने के लिए आपको पावर क्लिप एडिट कंटेंट पे जाना होता है। फिर जहां से जैसा आपको रखना है उस हिसाब से, ठीक है, और इसे फिनिश कर दोगे। यहां से भी कर सकते हो वापिस, ठीक है, बन जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि पिक्चर्स की बात आती है, जैसे पिक्चर्स हमें इसमें लेना है, ये बॉक्स बनाया, यहां से अनलॉक कर दिया और हमने अपने हिसाब से कोने राउंड किए, दिख रहा? यहां पर हमने 10 कर दिया, कितना कर दिया, या 20 कर दिया, 30 इधर कर दिया। इसमें हम पिक्चर डालना चाहते हैं, होता है ऐसा कभी कभी, कोई पिक्चर लेके आए, मान लो जे पिक्चर्स लेके आना है, दिख रहा है? अब क्या है, ये तो बहुत बड़ी पिक्चर्स है, केवल हमें दिखाना है कि ये वाला पार्ट, तो हम इसको लेंगे, क्या करेंगे, पावर क्लिप, और फिर कहां चले जाएंगे, एडिट कंटेंट। अब जिस पिक्चर्स को हमें चाहिए उस पिक्चर्स को बस लेंगे, फिनिश कर देंगे।
आ गई। अब हमें दूसरी फीचर चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल ठीक है, फिनिश कर दिया। कंट्रोल सी फिर फिनिश, बन गई। तो जैसी भी पिक्चर्स हमें जहां भी रखना है उस हिसाब से रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अब इनको हम सेलेक्ट करके अरेंज में जाके यहाँ पर अलग से दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट, जो पहले भी पढ़ा है तुमने, टॉप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और हॉरिजॉन्टल बीच में बराबर बराबर। क्या कर दोगे, जैसे ये लिया सेलेक्ट किया आपने, क्या किया टॉप बराबर हो गया, फिर क्या किया अरेंज ऑर्डर, यहां से सेंटर पेज जे लिखा है, क्या कर दोगे सी ई डिस्ट्रीब्यूट नहीं लिखा, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट ये लिखा है नीचे, लिखा है डिस्ट्रीब्यूट, लिखा है स्पेस बराबर बराबर, ठीक है आ गया। डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये सारी चीजें दी जाती हैं, जो पहले भी दिया है लगभग 80% हम उसी का यूज करते रहते हैं। तो हमारा एलाइनमेंट क्लियर हो गया। तो जैसा सबसे ज्यादा आपने देखा होगा फ्लैक्स में, एक तो कंटेंट होता है और पिक्चर्स होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है कि डिजाइन, जैसे ही हमने कोई भी डिजाइन ली, जैसे इमेज कहां पर क्लिक किया, बैनर डिजाइन या बैकग्राउंड या बैनर स्कूल बैनर, क्या लिख दिया स्कूल बैनर डिजाइनिंग बैनर नहीं, किसी का भी मिल जाएगा, देखो इतने सारे मिल रहे हैं, दिख रहे हैं ना बहुत सारे डिजाइन दिख रहे हैं। अब हमें कोई पसंद आ गया डिजाइन, मान लो हमें ये डिजाइन बनाना है, हमें अच्छा लग रहा है ये डिजाइन, अच्छा लग रहा ना, तो हमने इसको क्या किया इधर क्या कर दिया, सर हम कैसे बना पाए इतने, तो ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा ना, कैसे बना पाएंगे, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, हम प्रयास करके देख ले रहे हैं, क्या दिक्कत, प्रयास करने में कोई बुराई तो है नहीं, ठीक है। अब कितनी साइज है इसके हिसाब से इसी पे रख के हम बना ले रहे हैं, ओके। कलर हमने देख कर ही कलर देखेंगे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या चूज कर लो, क्या कर लो, इतना काम तो हो गया हमारा क्या, नहीं हुआ, एक काम तो क्लियर हो गया ना। अब चाहिए था जिस साइड है ऐसा, लगभग ये हो गया राइट।
अब हम चाहे तो एक लाइन इधर से डाल सकते थे, एक जे हो गई लाइन पकड़ के, लगभग सही आया। फिर इस पे क्लिक करके पहले तो इसको पूरा मैच कर दो, इससे बैकग्राउंड डाल दो, या वही कलर डालना तो क्या करोगे। ठीक है, मतलब हर काम हम धीरे धीरे से कर सकते हैं। अब फिर क्या करोगे, इसके द्वारा कन्वर्ट टू कर्व कर दोगे, क्या कर दोगे, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एक और समस्या है, क्या समस्या है, जी हमें नीचे चाहिए था, कहाँ चाहिए, कलर कौन सा, लाइन कलर, नो कलर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहां तक लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट तो यहां तक है, बन गया ना, कोई दिक्कत। अब सर चलो जी कैसे बनाएंगे, ये जो बना है जी कैसे बनाएंगे, जी तो हम पे खुद ने बन है, तुम पर बन तो हम पे कैसे बन जाए। लेकिन प्रयास तो कर ही सकते हो ना तुम, हैं? लिया, क्या करोगे, कन्वर्ट टू क्या करोगे, बन गया, क्या करोगे। अब कही के बच्चों का था ठीक है, तुम पहले से कर रहा था वही करो, लाइन कलर भी नन कर दो। चल इतने में काम कैसे होगा, ये दिख रहा है ज्यादा है तो ये इस लाइन को पकड़ के इधर रख दो, समझ में आया कि नहीं आया, जब इधर रखा है तो इधर भी उसी स्पेस पे आएगा। अब फिर क्या करोगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, इसको क्या करोगे, यहां से सेंड टू बैक करोगे, बैक वन, इसका शॉर्टकट भी देख सकते हो, क्या कर दोगे, पेज डाउन और ऊपर कर दोगे, कैसे करोगे, कंट्रोल पेज कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? अपन को क्या चाहिए, ज्यादा हो रहा है क्या, और कर दो, ज्यादा हो गया है, यह ज्यादा हो तो अपन उसी पे ले जा रहे हैं, कंट्रोल ओके, यदि तुम्हें दिक्कत जा रही है तो यहां रखा, क्या करोगे, ये कलर अपन ने अभी दूसरा कर लिया जिससे हमें दिखाई दे, और क्या करोगे, और हो सकता है, हो सकता है अब लगभग आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब क्या करोगे, क्या करोगे, पेज डाउन, क्या करोगे, ठीक है, अब क्या करोगे, इसको इतना अलग कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी कहां, तो सीधा सा कंट्रोल से
इसको उसी अनुपात में बाद में बढ़ा देंगे। तो बड़ा बड़ा कोई कार्ड कट लगाए दी है कट्टो कहाँ से आता है ना आपको उठाया चाकू एक बताओ कहाँ से ज़्यादा टेंशन वाला काम भी से नहीं। अब अभी समझ से जा रही है तो अपन मतलब फिर इसमें गैप फिर गड़बड़ का हुआ तो फिर अपना नाप गड़बड़ का है फिर भाई। अच्छा हाँ ये देखो नीचे तो और नीचे करो उस पर रख तो दिया है लेकिन जी ऐसा टच करना है ठीक है ये कहां तक इसी लाइन पे नीचे लाना है कैसा जैसे पकड़ लिया हो आ गया। अब देख बन गया गैप अब फिर की कहा जो सर कंट्रोल सी कर है कंट्रोल भी कर है और कहां जहां तुम कहोगे ये उठाया और जे इधर रखा जे हमने बनाया और बड़ा कर लो ज्यादा हो तो और सीधा उठा के हो गया। लो अब क्या करोगे अब क्या हो क्या बनता जा रहा फिर अब बचा क्या एक और बचा है तो फिर क्या किया तुमने कंट्रोल सी और क्या करोगे अब इस लाइन को फिर और इसको पकड़ के फिर जैसा भी करना है बना। अब रहा कलर का देखिए तो कलर में तो हमने महारथी हो गए हैं कैसे हो गए हैं इस पर आए लिया हो गया कई गिल्ले कई कलर यस 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 बन गई डिजाइन जब भी तो हमने जैसी बनाई नहीं थी हमें तो जो इंटरनेट पर मिली डिजाइन वो हम बनाना चाहते हैं हम अपनी कही कि जी तो सही हो गया सर अब कही आ भी तो जी तो कोई भी बना लेगा लेकिन जी तो बना के दिखाओ तो फिर क्या करोगे कुछ नहीं हम तो क्या करेंगे आप इसको लिया और यहां से सेलेक्ट फिट कर दिया और सीधा एक यहां से लेके यहां तक बनाया कलर आपको मालूम है अभी हम दूसरा कलर भर दे रहे हैं जिससे हमें प्रॉपर समझ में आ जाए समांतर हो गया कि नहीं हुआ लगभग। और क्लियर करने के लिए हमने क्या किया इसको
फिर रखा तो ये चौड़ा सा दिख रहा ना। इसको और पतला करो। लगभग आ गया, ठीक है। अब इतना तो हो गया सर, इतना अब ये हो गया। इसकी मोटाई फिर वापस आपको कम करना पड़ेगी। क्या है इसकी हाइट, ये दिख रही, ये हो गई, उल्टा कर दिया है वैसे, हालांकि चलो रहे तो। पेड़ विड्थ है, आओ ठीक है, लो लो। ओके ये दूसरा उपाय और क्या था मालूम? एक और है दूसरा उपाय, वही दिखा दे रहा, सबसे सरल और सुगम, तो कर ही सकते, इसमें ज्यादा तुम्हें टाइम लग रहा होगा। जे है दिया है ना तुम्हारे पास, दिया है ना, कैसा लगा? हो गया ना, इससे हमें फायदा भी हो गया ना, हमें क्रॉप करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा सीधा। अब कैसे जमा हो गए लाइन पर? जे लाइन ली हमने और एक बेस बना दिया, ठीक है। और इसको उठा के बड़ा कर लो, क्योंकि बड़ा करके देखोगे तो सब क्लियर दिखेगा। ये अपने आप चाहो तो नीचे कंट्रोल डाउन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो नीचे चला जाएगा। हाँ क्लियर। इतना करने के बाद अब बची है काई की बारी, ये वाली, ये पट्टी भी हम डायरेक्ट या तो हम इसी से खींच सकते हैं, किससे, ये हमारे पास साधन है ही। जे लिया, जे लिया, जे लिया, हो गया, कलर भर दिया। ओके थोड़ा सा इसको कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड कर दो, इसको कन्वर्ट टू कर दो, कन्वर्ट टू कर्ब है कि नहीं है देख लो, आओ है पहले ही से, ठीक है सेफ। यहां से क्या करोगे उठा के, ठीक है, ये और बड़ा कर लो, ज्यादा ज्यादा गड़बड़ करता है तो उठा ली क्या करो, राइट बन गया। इधर भी कर सकते हो जैसा भी चाहिए। इतना जब हो गया तो आप क्या करेंगे, फिर इसको उठा के कहाँ रखेंगे? अब इसका भी एक बेस है, यहां पॉइंट बनाएंगे आप, तो जहां भी टच हो जाए कहाँ, अरे तो टच क्यों नहीं हो रहा,
बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया होगा। हाँ चलो ओके। लगभग यही आएगा ठीक है, लेकिन यहां से जो था फिर क्या गड़बड़ी है, चलो देख लेते हैं, अब इतना ही करके देखिए ठीक है। हुआ, इसको क्या करना है, पेज किसको, इसको पेज डाउन, क्या कर दिया, पेज डाउन। अब क्या करोगे, जे वाला पार्ट आपको फिर से तैयार करना है, तो सिंपल एक दो तीन और जे चार, कोई भी कलर, ओके सीधा उठाया, कहाँ और यहां से ठीक है, फिर हमने इसी को लिया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ठीक है, और सही नहीं मिला है, चलो मिला दे रहे, अब यहां पर क्या एक समस्या आने वाली है देख लेते हैं, जे वाले ठीक है, जे हमें कहां इधर मैच करना है, करना है ना ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, हम इसकी मदद से इसको हम बड़ा करेंगे, लगभग हिसाब तो यही रहेगा, ज्यादा खुद थोड़ा और नीचे कर लो, इसको इसको ज्यादा हो तो और नीचे भी कर सकते हो लग रहा है तो, बस हो गया ठीक। अब आपने क्या किया, इसको लिया, जबकि ऊपर कैसा दिख रहा है, एक सा दिख रहा है, तो इसकी मोटाई और बढ़ाना पड़ेगी, फिर कैसे बढ़ाओगे, बढ़ा दी, लगभग तय हो गया कि ये हमारा काम, हो गया डन। अब क्या करोगे, इसका लाइन कलर नो कलर, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल डाउन, इतने में काम नहीं चलेगा, इतने में चलेगा, हो गया ना, इसी को कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल, कहां डाल दी, और इधर से उठाया चाकू, क्या किया, चाकू लिया है और
कंट्रोल कलर महाशय, कलर महाशय, कलर महाशय, अभी इधर गड़बड़ है पॉइंट, मुझे थोड़ा सा मैच करवा, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा था। ठीक है, अब कैसे होगा मैच, अब इसी को उठा के हम खिसका देखा है इसकी मदद से। ठीक है, नहीं तो पूरे अब बिगड़ जाएगा, कौन बता रहे। ठीक है, क्या लगा, संभव है कि नहीं है? जी वाला कलर ले लो, आ गया ना। कर पाओगे? अब एक और ऑप्शन है तुम्हारे पास, अब क्या करोगे, ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लो अलग, और इस वाले पार्ट को जब क्लियर हो जाए, देखो आप कंट्रोल जी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अब कंट्रोल जी करने के बाद ये एक हो गया आत्मा, जैसे कहते हैं कि एक मिल गया, तो ऐसी इसी प्रकार से अब क्या करोगे, इसका यूज करके आप इसमें व्यवस्थित कर दोगे जिससे इधर उधर ना भागे। अब एडिट कंटेंट, ठीक है, जैसा भी करना है, हो गया, जिससे व्यवस्थित दिखे, ओके, जैसा भी करना हो फिनिश करो। अब ज्यादा ऊपर उठा दिया तो वो कट गया है, फैला दिया, मतलब जो एक्चुअल साइज बनाई थी उससे अपने थोड़ा सा भिन्न कर दिया, या उसको ऐसा भी कर सकते फिनिश। लो बना, ठीक है, इधर क्या लिखा है इनने, प्ले ग्रुप नर्सरी, इधर अपन लिखे दे रहा है। अब देखो, अब हमें एडमिशन ओपन लिखना है, यहां पर आए, टाइम तो नहीं हो गया, एडमिशन ओपन फॉर 21। अब यहां से सबसे पहले तो फॉन्ट को चयन करते हैं, राइट, फिट कर सकते हो इसको। अब इसको आराम से ऊपर ले जा सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। कलर कौन सा चाहिए आपको, मान लो यही चाहिए, ठीक है, तो क्या किया आपने, इसका लिया, अच्छा गड़बड़ हो जाएगा, इधर से अब चेंज करना पड़ेगा तुम्हें फॉर्मेट, क्या करना पड़ेगा, यहां से ऐड करना पड़ेगा कलर,
स्किल कलर, ठीक यहाँ पर आप जो भी कलर बनाना चाहते हो लगभग आ गया। और इससे अच्छा देखने के लिए अपन ऐसा भी कर सकते हैं, व्हाइट डाल के देख लें, क्या डाल के देख लें, सिलेक्ट ही नहीं था, क्या नहीं था, या व्हाइट ना डाल के व्हाइट का बॉर्डर डाल दो, क्या डाल दो, इसको थोड़ा सा पतला कर दो व्हाइट का, यस 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 यस, ब्लैक जगह व्हाइट, ओके कम पड़ रही है। अब थोड़ा सा और जब जाएगा इसको हम क्या करेंगे, और बड़ा कर लो, ठीक है, क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है जैसा उसने बनाया वैसे ही हम बनाएं, एक आइडिया मिल गया हमें तो बनाना कैसा था, ठीक है। अब हमने इसमें लिख दिया, क्या लिखा, नर्सरी टू सरी, पहले इसको हम जमा लेते हैं इस कॉलम में, इसके लिए माउस व्यवस्थित चाहिए होता है। क्या किया, नर्सरी, अब इसमें इसने क्या कलर दिया, जे दिया है, दिया है इसी का कॉम्बिनेशन बनाया, हम नहीं बना रहे हम दूसरा बना रहे, हम क्या बना रहे, हम रेड कलर दे रहे भगवा टाइप का, ओके इस पर मोहर लगा दे रहे इसकी व्हाइट की, देखते हैं मजा नहीं आ रहा, आ रहा है, है? अब फिर से देख लेते हैं, मतलब चमक नहीं आ रही उसमें, जो दिखना चाहिए मतलब दूर से आकर्षण जो पैदा होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, तो इसको हम कलर कौन सा दे दें, रेड दे के देखें, ये ठीक लग रहा है, ठीक है आ गया। अब इसके बाद इसी को हमने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल भी किया, और इसमें जाके हमने लिख दिया सिक्स, क्या लिख दिया सिक्स, ठीक है। समझ जाएंगे लोग, कंट्रोल सी किया कंट्रोल भी किया, इधर लिख दिया टू, क्या लिख दिया, थोड़ा सा हमने अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया टू, आ गया नर्सरी टू सिक्स, ठीक है एडमिशन। अब यहां पर इन्हें क्या दिया था, अपन वो भी दे देते हैं, हम लिख दे रहे हैं कह दी, ठीक है। अब हम जी कलर तो क्योंकि ये जम नहीं रहा हमें, हम तो जी देंगे नहीं, या दे सकते हो, इसी को दिया कंट्रोल सी कंट्रोल,
एक्सीलेंट, ठीक है। थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज की और बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्या लिख दिया हमने? एक्सीलेंट। कैप्स लॉक चालू किया। एक्स सी सी था ना, ई एल ई एंड टी, ठीक है। अब आ गया, अब हमें चाहिए इसी के अकॉर्डिंग चाहिए। हैं, क्या हो गया? अब हम क्या कर रहे हैं? हम फॉन्ट ही चेंज कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? एक नया फॉन्ट रहता है जो बिल्कुल संकुचित टाइप का रहता है, इंपैक्ट होता है। क्या होता है? निकल गया, आई निकल गया, आ गया एक्सीलेंट। अब हमने क्या किया इसमें? चलो जी, इन जी कलर डाला है। अब हम क्या करेंगे? या तो हम इसको नो कलर कर देंगे तो दिखेगा सही, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा था इनका? एजुकेशन। तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया और इधर जाके हमने कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, इधर जाके क्या लिख दिया हमने? एजुकेशन। इधर क्या लिखा? सर्विस। सर सही लिखा, सर्विस सर्विस, राइट। तो देखिए अब बनता जा रहा हमारा। अब मान लो हमें क्या चाहिए? ये गुड्डा गुड्डी। अब हमें लिखना है स्कूल नेम। यहां पर बोला है स्कूल नेम लिखिए। तो हमने कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, या इसको डिलीट कर दिया, इसको ले लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल भी, यहां पर लिख दिया रॉयल रॉयल पब्लिक स्कूल देवधी, राइट। कंट्रोल ए किया, यहां कहीं दिया हुआ सेंटर करने का ऑप्शन, राइट। अब हमने क्या कर दिया इसमें? कलर डाल के देखा, क्योंकि इससे ज्यादा तो लिख नहीं सकते आप। ठीक है, फॉन्ट हम बदल देते हैं, बोल्ड की जगह हम थोड़ा सा नॉर्मल कर देते हैं, हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़ जाए। ठीक है, कलर अंदर हम दूसरा डाल के देख लेते हैं, जी ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों? ये अलग अलग भी बना सकते थे, स्कूल में डबल हो गया है ना, डबल हो आ गया। अब हमें चाहिए हमारा लोगो, हम यहां डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लोगो। तो लोगो डालने के लिए पहले से लोगो तुम्हारे पास होना चाहिए, देखते हैं है कि नहीं। आरपीएस है? क्या हो गया? अरे कुछ हो तो बताओ यार। अब हमें चाहिए एजुकेशन किड्स, चाहिए किड्स फॉर
पेस्ट करके देखते हैं क्या बात है, कहाँ चला गया। ठीक है जी, काफी हो रहा है, सेव किया था। अरे यार चलो ठीक है, कहाँ चला गया पिक्चर्स में। अब देखिए ये समस्या बन गई, तो हमने क्या किया, अब हमें यही पिक्चर डालना थी, अब नहीं मिल रही मान लो, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना। ये तो गड़बड़ हो रही, देखो फिर तो एक एक चीज सिलेक्ट करो, क्या करो सिलेक्ट करो, इससे अच्छी दूसरी पिक्चर ही ले लेना है, कौन काटे जी, कट सकते हैं जी, काट सकते खट से, इससे अच्छी और भी मिल जाएगी। हालांकि चलो जी मिल गई, सेव इमेज, और इसको ओहो कॉपी किया, क्या किया, और पेस्ट करके देख ले रहे। ज्यादा नाटक नहीं होना चाहिए। चलो भाई कहाँ चला गया, ओके ओके आ गया, कंट्रोल पेज डाउन, अब इससे ज्यादा हो नहीं रहा था, इसको हम क्या कायम ले जाएंगे, फिर मालूम है कायम है, उसको अनग्रुप करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अनग्रुप, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन करते हैं एडिट करते हैं, पहले तो इसको पावर पे जाके, अरे पावर पे जाके क्या कर दोगे, एक्सट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। इसको जाओ तो अनग्रुप भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो अनग्रुप आल, इसको चाहो तो कंट्रोल, ठीक है बन गया, फिर इसको चाहो तो आप वापस हटा सकते हो, फिर कंट्रोल जी करके वापस जैसा था, या इसको उठा के कायम डाल दोगे पावर, फिर एडिट। तो इस तरीके से आप अपनी कहानी को तैयार कर सकते हो। हो गया डन, अब बचा हमारा स्कूल वाला पार्ट, अरे स्कूल वाला पार्ट में भी एडिट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मालूम है, क्या करना पड़ेगा एडिट, इसमें अनुग्रुप, क्या कर दोगे अनुग्रुप आल, इसको नीचे खिसका दो और ज्यादा हो, ठीक फिनिश, बन जाएगा
अभी जी हाँ आ गया, ठीक है बन जाएगा। बस इस तरीके से ये क्या कर दिया, एक्सपोर्ट, और हमने क्या बना दिया, स्कूल। यार हम डाल ही दे रहे हो, तुम लोगों ने बनवा ही दिया है। आ गया रॉयल पब्लिक स्कूल देवरी नर्सरी टू सिक्स। ओके हम्म।